हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। मेरा नाम है अब्दुल और जैसा कि हम कंप्यूटर नेटवर्क की गेट सीरीज में लेक्चर्स अपलोड करते हैं, यहाँ पे आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ CSMA सिटी यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन। अब यहाँ पे कोलिजन, अब ये तो हम बाद में पार्ट डिस्कस करेंगे, बट वॉट इज CSMA? नाउ वॉट इज CSMA? तो CS stands for कैरियर सेंस। ओके, एम ए इज फॉर मल्टीपल एक्सेस, ओके, एंड हियर सी डी, हियर इट स्टैंड्स फॉर कोलिजन डिटेक्शन। नाउ कोलिजन डिटेक्शन क्यों है वो बाद में देखेंगे, बट व्हाट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, अब इसकी जरूरत क्या पड़ गई। Now, जब आगे के हमने मेथड्स में देखा था कि हमने रिजर्वेशन डिस्कस किया, पोलिंग भी डिस्कस किया, यहां पर रिजर्वेशन में क्या होता था कि जिसने रिजर्व कर लिया वही एक्सेस कर सकता है चैनल को, यानी कि हमारे पास चैनल है बहुत सारे यहाँ पे, जैसे कि ए बी एंड मेनी बहुत सारे। अब मुझे यहाँ पे ए जो है वो पैकेट ट्रांसफर करना चाहता है, ट्रांसमिट करना चाहता है चैनल पे। अब उस टाइम पे अगर बी भी ट्रांसमिट करना चाहता है तो सबसे पहले दोनों क्या करेंगे, कैरियर सेंस में यहां पे चैनल को सेंस करेंगे। अब ये जो है चैनल उसको सेंस करेंगे, यानी कि यहां पे सेंस करेंगे कि पर्टिकुलर इस पॉइंट पे यहां पे कोई भी और डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है ना, अगर हो रहा है तो ये ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं हो रहा है तभी उनको ट्रांसमिशन करने के लिए अलाउ किया जाएगा। इसलिए एक चीज क्या कर सकते हैं, एक ही टाइम पे एक से ज्यादा यहां पे एक्सेस नहीं कर सकते चैनल को। अब दोनों में से कोई भी डेटा ट्रांसमिट यहां पे एक साथ नहीं कर सकते, या फिर ए पहले करेगा या ए बाद में करेगा या बी को चांस मिलेगा। बट यहां पे सबसे बड़ा इश्यू यह आ जाता है कि यहां पे सिर्फ यही पॉइंट पे डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि यही पॉइंट पे चेक किया जा सकता है कि चैनल बिजी या नहीं। अगर समझो कि बी ने अपना डेटा ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया और यहां पे ए के लिए अभी ये पॉइंट तो फ्री है ना, अभी तो कैरियर सेंस किया तो ये पॉइंट तो फ्री है, तो अब इस पॉइंट पे ए को ऐसा लगेगा कि चैनल तो फ्री है, तो ए क्या करेगा, डेटा ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या है, यहां पे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है। दैट मींस अगर ए का डेटा सब तक पहुंच जाता है तो ए को ऐसा लगेगा कि मेरा डेटा डिलीवर हो गया। अब यहां पे कोई भी एक्नॉलेजमेंट जैसे सिस्टम नहीं है, यानी कि यहां पे नो एक्नॉलेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है याद रख लेना। दैट मींस अगर डेटा सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया तब भी ए को पता नहीं चलेगा, अगर यहां पे बीच में कोलिजन में फंस गया तब भी नहीं पता चलेगा। नाउ कोलिजन क्या है, बी ने भी ट्रांसमिट किया ए भी कर रहा है, तो यहां पे दोनों का डेटा टकरा जाएगा और यहां पे कोलिजन होगा, ये जो है दोनों का कोलिजन होगा। अब ए को किस कंडीशन में पता चलेगा कि कोलिजन हुआ है, अब कोलिजन होते होते ए तक पहुंच जाता है, बट अगर ए का डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया है, जैसे कि ए ने अपना डेटा ट्रांसमिट कर दिया है, अब उस तक कोलिजन पहुंचता भी है तो ए को ऐसा लगेगा कि किसी और का कोलिजन है, मेरा नहीं है। तो यहां पे जरूरी क्या है कि ए अगर ट्रांसमिट कर रहा है, अगर ए डेटा ट्रांसमिट कर रहा है अभी भी उसका डेटा बाकी है ट्रांसमिट करना, और उसी दरमियान उसको कोलिजन दिखता है, तो यहां पे ए को पता चल जाएगा कि उसका डेटा खराब हो गया है। दैट मींस कोलिजन हो गया है दोनों का डेटा, यानी कि ए का खराब हो गया, ए को पता चल जाएगा। इसी तरह से सेम गोस टू बी, बी को भी इसी तरह से पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कोलिजन ये होता है। अब कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए अभी मैंने बोला ए को कैसे पता चला, अभी वो ट्रांसमिट कर रहा है तभी पता चला, अगर उसका ट्रांसमिशन हो गया होता तो उसको नहीं पता चलता। यहां पे हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, इसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पे मेरे पास दो स्टेशन है, एक मेरे पास चैनल है और यहां पे स्टेशन है ए एंड बी। अब ए और बी दोनों को डेटा ट्रांसमिट करना है, ठीक है, और दोनों के बीच में यानी कि प्रोपोगेशन डिले है 1 आवर। प्रोपोगेशन डिले यानी क्या, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 1 आवर लगेगा। So, यहां पे प्रोपोगेशन डिले 1 आवर है, जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए मैं यहां पे ले रहा हूं। नाउ मान लो कि ए और बी दोनों ट्रांसमिट करना चाहते हैं और अभी बज रहे 9, और 9 बजे क्या हुआ, ए एंड बी दोनों ने ट्रांसमिशन शुरू किया, ट्रांसमिट डेटा, दोनों ने डेटा ट्रांसमिशन शुरू कर दिया। तो अब होगा क्या, हाफ एन आवर के बाद एग्जैक्टली 9:30 को क्या होगा कि ए का डेटा एग्जैक्टली हाफ कवर कर दिया होगा और बी का हाफ,
और यहां पे क्या होगा, कोलिजन होगा, तो 9:30 बजे क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। ए को उसके बारे में कब पता चलेगा, जब कोलिजन यहां से यहां पे ऐसे ट्रैवल करके ए तक आएगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, हाफ आवर, दैट मीन 10 बजे दोनों को पता चलेगा, ए को भी पता चलेगा और बी को भी पता चलेगा, ए एंड बी गेट इंफॉर्मेशन, इन दोनों को कोलिजन के बारे में पता चलेगा। यहां पे कोलिजन डिटेक्शन कब हुआ, पता कब चला हमें, आफ्टर 1 आवर, और हमारा प्रोपोगेशन डिले कितना है, वो भी 1 आवर है। दैट मींस यहां पे आपका जो ट्रांसमिशन टाइम है, आपके पैकेट का जो ट्रांसमिशन टाइम है, वो कितना होना चाहिए, मोर देन प्रोपोगेशन टाइम होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा। सपोज मान लो एग्जैक्टली कि यहां पे 9:30 9:29 पे यहां पे डेटा खत्म हो जाता है, ओके मतलब ए का डेटा खत्म हो जाता है, और कोलिजन तो होता ही है, लेकिन यहां पे 9:29 को ए को पता नहीं चलेगा, यानी कि यहां पे कोलिजन होगा लेकिन 10 बजे ए को पता नहीं चलेगा, क्योंकि 9:29 को उसका डेटा खत्म हो चुका था, तो यहां पे इस तक पहुंचेगा ही नहीं कोलिजन कि इसका डेटा खराब हो गया है। तो एग्जैक्टली हाफ पे पता चलता है, वो भी कब, आफ्टर एन आवर, जितना प्रोपोगेशन टाइम है उसके बाद। That means ट्रांसमिशन टाइम जो है, मतलब ए का जो भी ट्रांसमिशन टाइम है, इस केस में ए या बी दोनों का ट्रांसमिशन टाइम है, वो कितना होना चाहिए, वो प्रोपोगेशन से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 1 आवर होगा, तो इस कंडीशन में आप कोलिजन डिटेक्ट कर सकते हो। लेस देन 1 आवर नहीं होना चाहिए, मोर देन, ठीक है, तो यहां पे मोर देन 1 आवर होना चाहिए, या फिर मोर देन और इक्वल टू 1 आवर होना चाहिए इस कंडीशन के लिए। और ये कंडीशन क्या है, एवरेज कंडीशन है। अब इससे भी खराब कंडीशन कौन सी हो सकती है, यानी कि बीच में ही कोलिजन हो गया वो पता चल गया, लेकिन इससे भी खराब कंडीशन क्या हो सकती है। चलो यहां पे हम जाते हैं, एक और सीन ले लेते हैं, यहां पे मेरे पास है ए और बी सेम, यहां पे प्रोपोगेशन भी कितना है, 1 आवर अगेन है। अब ए ने डेटा ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया, और यहां पे ए कहां तक पहुंचता है, अब उसने 9 बजे अगेन शुरू किया, और कहां पे पता, 9:59 को यहां पे पहुंचा है अभी ए का डेटा, मतलब 1 घंटे का प्रोपोगेशन ट्रैवल कर लिया, अब यहां पे पहुंचा है। अब यहां पे बी ने अपना डेटा ट्रांसमिशन शुरू किया, तो क्या होगा, यहां पे कोलिजन होगा, यहां पे ही कोलिजन हो जाएगा, मतलब इतना पहुंचने के बाद पहुंचने तक ही खराब हो गया डेटा। ये सबसे वर्स्ट कंडीशन है, इसको क्या बोलेंगे, वर्स्ट। ये एवरेज है, बेस्ट किसको बोलेंगे कि शुरू किया उसमें ही पता चल गया कि डेटा हमारा कोलाइड हो रहा है, ये एवरेज है, एग्जैक्ट बीच में हो रहा है। इसके लिए हमें क्या है, ट्रांसमिशन टाइम ज्यादा होना चाहिए प्रोपोगेशन से, तभी हमें पता चलेगा कि कोलिजन है, इससे कम हुआ तो नहीं पता चलेगा। वर्स्ट कंडीशन क्या है कि पहुंचने तक ही पता चल जाए, पहुंचने तक मतलब अभी पहुंचने ही वाला है और कोलिजन हुआ पता चल गया। अब ये कोलिजन सिग्नल आएगा, मतलब ये भी 1 आवर का प्रोपोगेशन ट्रैवल करके आएगा, तो पता कब चलेगा, 10:59। मतलब ए ने अपना डेटा ट्रांसमिट किया 9 बजे, और उसको पता कब चल रहा है, 11 बजे। दैट मींस 10:59 को पता चल रहा है कि मेरा डेटा कोलाइड हो गया, कोलिजन में फंस गया, खराब हो गया है। तो यहां पे इस कंडीशन में, ये सबसे वर्स्ट कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या है कि आपका जो ट्रांसमिशन टाइम जो है वो कितना होना चाहिए, मोर देन प्रोपोगेशन तो होगा ही, लेकिन कितना, प्रोपोगेशन 1 आवर है, यानी कि 9 बजे शुरू किया, प्रोपोगेशन 1 आवर यहां से यहां तक जाने में, लेकिन कोलिजन डिटेक्ट कब हो रहा है, यहां से गया उसके बाद वापस आया, दैट मींस 2 घंटे के बाद पता चला कि यहां पे कोलिजन हुआ है। तो यहां पे ट्रांसमिशन टाइम शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोपोगेशन टाइम, मतलब प्रोपोगेशन से डबल होगा तब पता चलेगा कि यहां पे कोलिजन है। ये सबसे वर्स्ट कंडीशन है, ये एवरेज है। अब हम हर जगह पे किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये वर्स्ट कंडीशन है, ये ऐसी कंडीशन है, यानी कि ये ऐसा है कि इसमें पता चल ही जाएगा कि कोलिजन है या नहीं, क्योंकि ये वर्स्ट कंडीशन है, इसमें सारे कंडीशंस आ जाती है, मतलब अगर यहां पे भी कोलिजन होगा तो ये कंडीशन में पता चल जाएगा, लेकिन अगर ये सिचुएशन यहां पे आ जाती है और आप सिर्फ ये कंडीशन को देखते हो तो आपको पता नहीं चलेगा। दैट मींस अब इस पे से कंक्लूजन एक और भी निकलता है, बेसिक सा कंक्लूजन है कि यहां तक मतलब खत्म होने तक ट्रांसमिशन टाइम उसका, यानी कि आपके पास डेटा होना चाहिए ट्रांसमिट करने के लिए,
तभी आपको पता चलेगा. सो ये सिचुएशन सॉरी ये कंडीशन है उसको याद रखना, ट्रांसमिशन टाइम शुड बी मोर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोपोगेशन टाइम. अब यहां पे ये ट्रांसमिशन टाइम की बात हुई, प्रोपोगेशन की बात हुई. ट्रांसमिशन टाइम होता क्या है, कितना टाइम लग रहा है ट्रांसफर करने में, और प्रोपोगेशन क्या होता है, कितना रास्ता है. अब कितना टाइम है वो हमें पता चल गया, कितना रास्ता है वो भी हमने पता लगा लिया. लेकिन अगर गेट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कितना डेटा मिनिमम ट्रांसमिट करना है कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए, कितना डेटा मिनिमम, मिनिमम कितना, इतना तो करना ही पड़ेगा तभी आपको कोलिजन का पता चलेगा. सो यहां पे वो हम डिस्कस करते हैं. सो अब मैं हर जगह पे यहां पे जो वर्स्ट कंडीशन वाली सिचुएशन है उसको मैं देख के चेक करूंगा कि कोलिजन हो रहा है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा. तो हमारे पास ट्रांसमिशन टाइम शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोपोगेशन है. अब हमें कितना डेटा है, लेंथ ऑफ अ पैकेट फाइंड करनी है. तो ट्रांसमिशन टाइम क्या है, एल बाई बी लेंथ अपॉन बैंडविथ. तो यहां पे लेंथ ऑफ पैकेट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू टू इंटू ट्रांसमिशन टाइम सॉरी प्रोपोगेशन टाइम इंटू बैंडविथ. मतलब आपका जो पैकेट लेंथ है वो इतना होना चाहिए. अब इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जनरली ये टॉपिक पे, यानी कि ये जो लेंथ ऑफ पैकेट फाइंड करने पे आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे. हर साल इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली इसको कहीं ना कहीं कैसे भी करके ट्विस्ट करके पूछा जाएगा. सो यहां पे बेसिक सा एक एग्जांपल ले लेता हूं. मान लो हमें प्रोपोगेशन टाइम दिया हुआ है 1 मिलीसेकंड एंड बैंडविड्थ है 1 Mbps. ओके अब प्रोपोगेशन 1 मिलीसेकंड और बैंडविड्थ है 1 Mbps. यहां पे पूछा जाता है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द पैकेट. ठीक है, मिनिमम कंडीशन को देख के, हमारा कौन सा है यहां पे CSMA है, उसमें यहां पे कंडीशन को देख के यहां पे कि यहां पे कितना डेटा मिनिमम होना चाहिए तभी हमें कोलिजन को डिटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा अगर पूछा जाए तो यहां पे यही फॉर्मूला लगाएंगे. एल शुड बी ग्रेटर इक्वल टू टू इंटू प्रोपोगेशन टाइम कितना है, यहां पे प्रोपोगेशन इज 10^-3 और यहां पे बैंडविड्थ है 10^6. नाउ यहां पे हम पता लगाते हैं तो 2 × 10^3 और यहां पे पता चलता है 2000 bits. इसको मैं बिट्स में ही रहने दूंगा, बाइट्स में नहीं करना है, डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन कैसे आपको दिए हुए हैं. यहां पे कितना पता चलता है कि आपको मिनिमम 2000 बिट्स ट्रांसमिट करने होंगे इस सिचुएशन में, इस एग्जांपल के सिचुएशन में, अगर आपको कोलिजन डिटेक्ट करना है तो. ठीक है, अब जनरली आपका क्वेश्चन अराइज होगा, भाई हमारे पास इतना डेटा हो ही नहीं तो हम क्या करें. मतलब अगर 2000 बिट्स नहीं है, मान लो हमारे पास सिर्फ 1000 बिट्स है, तब क्या करेंगे. मिनिमम 2000 है लेकिन हमारे पास 1000 ही है तो क्या करना है. तो जितना रिक्वायर्ड है और जितना आपके पास है, बाकी का जितना भी रह जाता है उसको डमी बिट्स लगा के डेटा ट्रांसमिट करो. ओके, मतलब इतना डेटा तो चाहिए ही, वरना आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो. नहीं कर सकते हो मतलब आपको कोलिजन का पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज यहां पे एक्नॉलेजमेंट है ही नहीं. तो 2000 बिट्स है तो आपको, अगर आपके पास 1000 बिट्स है तो आप क्या करो, डमी डेटा पीछे ऐड कर दो और ट्रांसमिट कर दो, तो आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि यहां पे कोलिजन है या नहीं. ठीक है, तो यहां पे अब इस वीडियो में मैंने आपको CSMA CD इसके बारे में बताया और हमने इसके जो बेसिक एग्जांपल डिस्कस किया. आपको ये कंडीशन हमेशा याद रखनी है, साथ ही में ये जो पार्ट है लेंथ ऑफ अ पैकेट इसका क्वेश्चन आ जाता है वो भी याद रखने. इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं सॉल्व करूंगा. नेक्स्ट वीडियो में हम यहां पे देखेंगे कि CSMA की एफिशिएंसी क्या है एंड और भी आगे की वीडियोस में देखेंगे टॉपिक्स. सो अगर आपने यहां पे वेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे. और यहां पे अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, जैसे कि मैंने यहां पे थोड़े हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि कैसे आपको नोट्स लेनी है. और यहां पे अगर आपने अभी तक दूसरे वीडियोस नहीं देखे, दूसरे वीडियोस जाके देखो, कंप्यूटर नेटवर्क्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, DBMS, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स हम करवा रहे हैं. उसमें DBMS कंप्लीट हो गया है और भी सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने पे आए हुए हैं. सो जल्दी से जल्दी आप चैनल को और भी प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट करो और देखो. और यहां पे अगर आपने वीडियोस को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज ग्रुप में जो आपके फ्रेंड्स गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दो. यहां पे और भी वीडियोस आने वाले हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.